हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। जैसा कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। और दोस्तों आप यहां पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहे इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कर्नमास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कर्नमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कर्नमास्टर ऐप को ओपन करना है। मास्टर ऐप ओपन होने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस यहां से आपको NAR SU60 की साइज को सिलेक्ट करना है। आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से गाइस आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से गाइस आपको अपनी तीन फोटो को इसमें सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से गाइस हम इसमें तीन फोटो को इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। आपको भी इसी तरह से तीन फोटो को इसमें सिलेक्ट करना है। आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। गाइस आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक ब्लैक स्क्रीन साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस इस वीडियो को बनाने में जो भी इफेक्ट वीडियो साउंड यूज होंगे, आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर साउंड वाली वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद गाइस आपको इस वीडियो के साउंड को निकाल लेना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एस्ट्रक आइडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस वीडियो का आइडियो निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ब्लैक स्क्रीन वीडियो का आइडियो निकल कर आ चुका है। अब गाइस आपको इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी ब्लैक स्क्रीन वीडियो डिलीट हो जाएगी। आपको वॉलपेपर की लेयर को इस तरह से जूम करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम करना है। अब गाइस आपको यहाँ पर साउंड के हिसाब से वॉलपेपर को कट करना है। गाइस आपका जहाँ से ज़्यादा साउंड आ रहा है यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। कट करने के लिए आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर कट हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अब यहाँ से गाइस हमारा ज़्यादा साउंड आ रहा है, यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। कैची का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। तो इस तरह से गाइस आपको तीनों वॉलपेपर को कट करना है। साउंड के हिसाब से आपको वॉलपेपर को कट करना है। तो इस तरह से आपको वॉलपेपरों को कट कर लेना है। यहाँ से गाइस आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको ऊपर एक ऑप्शन मिला है डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ अ फोटो क्लिप। आपको इसकी डायरेक्शन को 0.6 पर सेट करना है। इस तरह से आपको 0.6 पर सेट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से गाइस आपको इसमें 15-20 वॉलपेपरों को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको वॉलपेपरों को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वॉलपेपरों को सिलेक्ट कर लिया है। अब गाइस आपने जो फर्स्ट में तीन वॉलपेपरों को सिलेक्ट किया था इनको आपको छोड़ देना है। आपको चौथे वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें स्वीट लाइन्स वाली क्लिप ग्राफिक्स को वॉलपेपर में लगा देना है। गाइस अगर आप गेट मोर पर क्लिक करके स्वीट लाइन्स वाली क्लिप ग्राफिक्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर स्वीट लाइन्स वाली क्लिप ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगी। आपको बीट सेंस ऐप से स्वीट लाइन्स वाली क्लिप ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप स्वीट लाइन्स वाली क्लिप ग्राफिक्स को कर्नमास्टर ऐप में कैसे ऐड कर सकते हैं। आपको उस वीडियो को देख लेना है और स्वीट लाइन्स वाली क्लिप ग्राफिक्स को कर्नमास्टर ऐप में ऐड कर लेना है। आपको स्वीट लाइन्स वाली क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको 13 नंबर वाली क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है। इस तरह से गाइस आपको सभी वॉलपेपर में 13 नंबर वाली क्लिप ग्राफिक्स को लगाते जाना है। तो चलिए हम सभी वॉलपेपर में 13 नंबर वाली क्लिप ग्राफिक्स को लगा देते हैं। इस तरह से आपको लगा देना है।
गाइस आप देख सकते हैं मैंने सभी वॉलपेपर में स्वीट लाइंस वाली 13 नंबर वाली क्लिप ग्राफिक्स को लगा दिया है। आपको भी इसी तरह से स्वीट लाइंस वाली क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है। अब गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर को इस तरह से जूम आउट करना है, फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस आपको स्क्रीन वाले ऑप्शनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है, इस तरह से आपको बॉर्डर लाइन को इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन के लिए को खींच कर वीडियो को लेकर बराबर कर देना है। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।